A few. तो भाई जब हम लोग निकल गए गौरी गोपाल आश्रम के लिए जो और लोगों का चार ने बनवाया था, तो हम पहुँच रहे मिलते हैं, पहुँच ही गए। ये रखो गौरी गोपाल इसका व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप चलाता रहता है रोज व्हाट्सएप कर रहा है गौरी गोपाल आश्रम। अभी आ रही है फोटो, बिल्कुल सुबह का टाइम है ना। अभी चल कहाँ रहे हैं, गौरी गोपाल या फिर उधर गौरी गोपाल? पूरी रोड घिस जाएगा है। श्री ललित आश्रम आश्रम है, आश्रम क्या आश्रम लग रहा है? कमाइए सीधा जाना है, फिर सबको गोली मारना है और अपना होटल कर लेना है। व्हाट इज योर हिडन टैलेंट? हाइड है, कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है, गौरी गोपाल आश्रम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर। हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, सीधा सीधा बोलो ना। तुमने हिडन पूछे और वैसे टैलेंट पूछ सकते बताते हैं। अच्छा मैं ऐसे टैलेंट बताओ क्या है? मेरा टैलेंट है तेजस को बहुत चुके हैं। पहुँच गए अंदर, चला जाए देख सिक्योरिटी के सामने नहीं चलाएंगे, ठीक है बंद करते हैं, फिर उसे आपको मिलते हैं अंदर। और कुछ है नहीं, बस यही है जहाँ बताते हैं बोलते हैं वही है बस वही। अभी दूसरी बिल्डिंग आ चुके हैं मंदिर वाले, तो चलो अंदर। अभी हम दूसरी बिल्डिंग पे आ चुके हैं, दूसरी बिल्डिंग अंदर चलते हैं। ऊपर लगा था मैं नीचे बोल, बहुत बढ़िया बना हुआ अंदर देखो। अगर आप इधर तक देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। दर्शन करने बात होते हैं, ये देख लो आप देख भी पा रहे हो इधर लिखा है एक दिन की बंदर सेवा पूरे 5,100 की है। एक साधारण कमरे की वृद्धा संपत्ति सेवा 5,00,000 रुपये बहुत रेट बढ़ा रखे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। कुछ फोटोज लगी हुई हैं, कार्यालय है मिलते हैं। हाँ बैठ जाते हैं, ये सोफा है तो ये होली के लिए हुई है इसको, ये उनकी सब्सक्राइबर लिस्ट है। फर्स्ट अब 10 मिलियन हो गए, फर्स्ट दिवस तो 17 चैनल है इनका, आज पता चला। ऊपर चला गया ऊपर, ऊपर ही बनाओ कर लो, लिफ्ट तो दादी यूज़ कर।
ऊपर जाएंगे लगा हुए लगाए नहीं भाई को अच्छे नहीं गाया बोलता नहीं वैसे बोलते हो धन्यवाद बोलो ये क्या बोलना नहीं आता चश्मा तो बंदा ले ही जाएगा अभी विचार नहीं है चप्पल पहन लेते हैं चलो पहले चप्पल गोली लाऊं मैं रोड गोली नहीं है बाकी भी यार चलना है अब भाई बोल दो अपना फेस दिखा दो राधे राधे लिखवाया है ये देखो माँ भक्त बने हुए हैं अब चलो मिलते हैं आधे रास्ते होना आधे रास्ते जब हो जाएगा तब मिलेंगे अभी हमें थोड़ा रुके हैं इधर देखो चाय पी लो तो चाय मिलेगी तब मिलेंगे तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंडे कट चुके हैं लाइन में पहुँच गए बीच बीच की कट हो गई थी गलती से कहीं कहीं गैप है निकलने के लिए लाइन रुक गई है चलते चले चलो छोटी बहन लाइन चलने लगी वापस से अभी रुक गई थी कैमरा सेट करके रखा था क्यों मारे पीने का पानी है तो इधर मैं रुक गई है ना मैं यहाँ पर टाइम ज्यादा लगने वाला है आगे बहुत लंबी लाइन चल रही है मैंने तो इधर से झाँक के देख लिया बहुत लंबी बहुत लंबी वो तो उधर टावर उधर तक जहाँ तक पोल के बहुत आगे है वो ऑलमोस्ट वो जो येलो येलो सा दिख रहा है घर वहाँ तक हो सकता है उतना अंदाजा नहीं पर उधर तक होना होगा बहुत बड़ा लाइन है पहुँच गए हैं येल्लो वाले इसका भी बहुत लंबी लाइन है हमें लगा इधर तक ही होगी तो गाइस इधर आ चुका है फाइनल मोड इधर आए हमें बहुत लंबा रास्ता है पर आज बहुत कम भीड़ है आराम से चल पा रहे हैं मतलब पिस पिस के चलते हैं अंदर भी राधे राधे हेलो
अंदर आराम से घुसने वरना बहुत भीड़ होती है ना मनु, बहुत भीड़ है यार यहाँ पे चलने के लिए जगह ये तो मंदिर में। हमने पोहा खा लिया, बढ़िया था, खा तो बढ़िया लगा, बहुत स्पाइसी थी, नमकीन टाइप की थी, बहुत स्पाइसी थी लेकिन कुछ अच्छा बना था। ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं हो रही धूप में, तुमने पानी भर के लाइट बढ़ाई है थोड़ी सी, अब सही आ रहा है। चप्पल हम भूल गए हैं, क्या पहने, अब उधर वापस जाना पड़ेगा उस गेट तक, चलते हैं, निकलते निकलते मिलेंगे आपको। हम राधा रानी मंदिर में हैं अब, निधि वन शेल्टर है पूरा, इसमें कहा जाता है कि जो भी इन तुलसियों का जो भी बाहर तुलसियाँ लगी हुई हैं उनको 9 बजे के बाद देखते हैं वो इन लोग ये करें अंगड़ा लंगड़ा अंधा नीला सब हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है इन्हीं तुलसियों से देखने के अंधे होते हैं। बहुत लंबी लाइन है तो देखने के लिए बढ़िया है। अब हम लोग मंदिर पहुँचने वाले सामने हैं, अच्छी नहीं आएगी बिल्कुल, बस पहुँच ही गए। सेवा करते रहो, दान करते रहो, प्रणाम करते रहो। चलो दर्शन हो गए, बाहर निकल आए, निकल रहे हैं हम लोग, ये इधर से निकलने वाला रास्ता यही है, वही रास्ता है जैसे गाँव में होती है, मतलब जैसे थी पहले आने में थी वैसे जाने में, बाहर आ गए, एंडिंग एंडिंग आ गई है। आ गए बस निकल ही रहे, ऑलमोस्ट निकल गए।
नहीं अब तो टीम से ही कवर हो गया है। अगर आप इतने देर से देख रहे हो, बहुत देर हो गई है, तो लाइव सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो आ चुके हैं दर्शन लाइन, अब हम दर्शन करा रहे हैं। ये तो दर्शन करने से मना कर रहे हैं, दिखाने से वही छोड़ा छोड़ा ले रहे हैं, वही तो दर्शन करने से मना कर रहे हैं। मैंने तक देख नहीं पाया सही से, पैर पैर देखे, मुंह तो देख ही नहीं पाया। निकल गए अभी, हम धूप वाली जगह आ गई है। ये और बस लास्ट चीज, इधर से हम बाहर निकल के इधर इधर पर आ गए। ये है गंगा जी का किनारा, ओम ओम हमने गंगा का किनारा है ना, गंगा का किनारा है, यमुना जी का किनारा है, मतलब गंगा है। अरे भाई भाई भाई, भाई, भाई। फिसल फिसल रहे हैं, चलो नहाने निकल रहे हैं। और ये जो है बोट में बैठेंगे आज, हाँ ये बोट में अच्छी वाली है। अनु भैया चश्मा वहाँ पे कौन डाल रहा है, खर्चा होता है, जो डाले वो उसका। हम मतलब यमुना जी स्नान करके आ गया, देखो इधर एकदम सही, एकदम गंदा है, उधर देखो एकदम सही है। यहाँ पे ये लोग नाली का पानी करके ये हर जगह को प्रदूषित कर देते हैं। देखो उधर से नाली का पानी आ रहा है, हम कर रहे हैं वोटिंग। साफ पानी से आपका कलर चेंज होगा, देखो वहां पे ग्रीन है, इधर पे कुछ उनका सर अलग टाइप का है, देख लीजिए अभी बिल्कुल साफ पानी। दर्शन तो नहीं करा पाऊंगा लाइव, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, पर हमने कुछ फोटो मना करने के बाद ही खींच ली है, तो कुछ वो फोटोज हम आपको इसलिए कर देंगे। तो उसके बाद की बात अब करते हैं अपना काम बात। तो इसके बाद है कि हम लोग और हम लोग टूर गेम लेंगे स्कॉन का, स्कॉन स्कॉन कम स्कॉन मंदिर अंदर आ गए। अभी हम कैंटीन में हैं, कैंटीन तो खाली एकदम होगा, ये चीज़ें रखी हैं। इधर ही बैठ जाए,
उधर भी चार आठ पाएंगे, इधर भी चार आठ पाएंगे, दो सीट चार लग्जरी फील, लग्जरी। चलो खाना मंगवाने के बाद मिलते हैं, पहले कभी बैठ गए हैं। ये होटल देखो एकदम वाइट है, ये कैसे निकलेगा? रुको रुको, इसको देखो इधर इधर से ऐसे किया तो ये आ गया, इधर नहीं आ रहा है ये बस आगे करो, इसको आगे कर दो, ये हाँ फिर ये आगे किया। अभी हमने पूरा खा लिया है, अभी हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं और बंद हो गया है। ऑलमोस्ट 11 एक बजे तक खुला रहता है, पर ये 90 मिनट्स एक्स्ट्रा खुला है। आज संडे है, क्योंकि मंडे है आज, तो अब स्लीपर पहनने के बाद मिलते हैं। हम लोग बाहर आ गए हैं, ये हमारे लास्ट दिन है टूर का, कार में मिलेंगे सीधा जब हम घूमने जा रहे हैं। नहीं अभी होटल चलना है, अब गाइस हम मिलते हैं आपको होटल पे, बाय गाइस। गाइस अभी हम लोग होटल में आ चुके हैं, हमने चेकआउट कर दिया 12 बजे और 1 बजे का, तो रूम नहीं मिला हमें, तो हमने कहा वो आपको उस जगह ले सकते हैं जहाँ हम लोग अभी रुके हुए हैं। अभी सिर्फ एक आदमी है कि ये इधर पे सब बैठे हुए हैं, पर यह गद्दे गद्दे पीछे हुए हैं, जगह भी बढ़िया है, साफ है, खेलने के लिए बढ़िया। तो हम लोग निकलने वाले हैं 4 बजे एक, तो अब एक काम करते हैं थोड़ी देर लेट जाते हैं, आराम करेंगे फिर मिलेंगे जब निकलेंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए ना, लास्ट घर जाएंगे, ये लास्ट है तो उधर ही जा रहे हैं, तब पहुँचने तो निकलते हैं। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं, मंदिर में घुस चुके हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं ऊपर वे टू मंदिर। अब उधर से अभी चल रहे हैं ऊपर वे टू मंदिर। ये भाई ये तो कॉन्क्रीट से बना हुआ है टेक्सचर्स के साथ, है टेक्सचर्स के साथ है, ये है ना कॉन्क्रीट से ही बनाया है। माय गॉड, दूर से देखने स्मूथ लगता पड़ रहा है, सदा बाहर पौधे एकदम जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। दो मंदिर बन रहे हैं, अगर एक ये मंदिर बन रहा है, इसके पीछे एक मंदिर बन रहा है, ऊपर आ गए हनुमान जी, अरे लगा गए नीचे, बहुत ऊंचा लग रहा है ये भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। भूलने लायक है, सब भूल जाते हैं अंदर को। अभी हम लोग जाएंगे गुफा में, अंदर आ गए हैं। शॉर्ट टाइम Yeah.
बाकी अभी थोड़ा सा नीचे हो गया था कैमरा, क्योंकि सिक्योरिटी मना कर रही है। वह क्यों सिक्योरिटी मना कर रही है? वो थोड़ी सी बात करनी थी, वो बात कर ली है। पॉज नहीं किया, थोड़ा सा भूल गए, सॉरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। इधर पता नहीं एक और थी, हम वापस जाते हैं।
फाउंटेन अच्छे से नहीं दिखा पाए क्योंकि पुलिस आ गई थी, फिर हमें मना कर दिया फोटो खींचने से। तो बाकी प्रसाद भी बढ़िया मिला, दिखाते हैं आपको। ये है प्रसाद, तो हमारा कैंसिल हो गया। बाकी बंदे जाने वहीं घर जाने का, अगले बंदे कैंसिल हो गया और जाने सीधा घर, मिलते हैं घर पहुंचने पे। जन्मभूमि अभी ये गाइड है क्योंकि वो रात रचाने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से जन्मभूमि पे जन्म हुआ था, 12 बजे रात को जन्म हुआ था, 12:03 पे नंद बाबा उनको टोकरी में धरके और जमुना मैया के रास्ते से होते हुए निकले, लेकर सीधे गोकुल राम गोकुल जा रहे हैं आप लोगों को दर्शन कराने। यहाँ मात्र 3 मिनट रुके, अब ये देख लीजिए कि जहाँ पे भगवान पैदा हुए 3 मिनट यहाँ रुके हुए, इतनी पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए। क्या देखने, सिर्फ जेल, कृष्ण का भगवान दरबार है यहाँ पैदा हुए, लेकिन कंस की जेल रही है, ये कंस की जेल भी रही है। उसने अपने सगे जीजा और बहन जो है उसने बंदी बना लिए थे, काय के लिए कि उनका जो पुत्र होगा वो मेरा मृत्यु बनेगा। मात्र 3 मिनट के चमत्कार में इतनी पब्लिक आती है कि समाधि भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से 3 मिनट बाद ही उनको नंद बाबा उठाकर गोकुल ले गए, डलिया में रखे, जमुना जी उफान तक आ गए। जमुना जी ने नंद बाबा ढक लिए, क्यों ढक लिए, खाली पैर छूने के लिए, खाली पैरों के स्पर्श के लिए पूरा यहाँ तक ढक लिया था। लेकिन प्रभु तो बाल गोपाल रूप थे, लेकिन प्रभु तो प्रभु थे ना, उन्होंने कही भाई जो ले जा रहा मुझको कोई डूब जाएगा तो ले कौन जाएगा। आपने एक चीज पे गौर करा है, भगवान अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर कारण नहीं लिखा जाता है। कारण क्या हो जाता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि इसको भगवान ने मारा, कोई कह सकता है अब तक की लीला बता दो, अब तक का जीवन आपने पार करा हो तो मुझे ये बता दो कि कोई आपके आस पड़ोस में मोहल्ले में रिश्तेदार में कहीं भी कोई अगर मरा होगा या रस्ते में मरा होगा तो यही सुनने में आई होगी आपको, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने दारू ज्यादा पी ली थी, जहर बन गया शरीर में, वो मर गया, छत पे गिर गया। यही होता है, कभी ये नहीं होता कि भगवान ने मारा, भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं रखता है। आज आप भगवान को कुछ भी अगर चढ़ाते हैं ना, अर्पण करते हैं, जैसे शंकर जी को सोमवार को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी पे जो जल चढ़ता है ना, तो शंकर जी पे जल का क्या कारण होता है, पानी में दूध मिलाकर शंकर जी को क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण मालूम है आपको, नहीं मालूम। शंकर जी पे पानी में दूध मिलाकर चढ़ाते हैं, शंकर जी पे घी मिलाकर चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, हर एक चीज का अलग महत्व है, हर चीज का अलग महत्व है। शंकर जी पे पीले पुष्प चढ़ाने का अलग महत्व है, हल्दी की गांठ की माला चढ़ाने का अलग महत्व है। इन सब महत्व को पहले आप जानकारी में ले लो, लेना चाहिए, हर चीज का अलग कारण होता है। और भगवान को जो भी चीज आप चढ़ाते हो ना, भगवान आपको कुछ ही समय में उसको रिटर्न भी कर देता है, कोई चीज अपने ऊपर वो किसी का कर्ज नहीं रखता है। प्रभु कृष्ण ने रात रचाते रचाते जब वो थक गई थी राधा जी, तो उन्होंने राधा जी के चरण दबाए थे, राधा जी के पैर दबाए थे कृष्ण भगवान ने, पता है आपको, नहीं पता है, तो वो मंदिर नहीं देखा आपने, उसमें जब प्यास लगी, जब उनको नृत्य करते करते प्यास लगी तो उन्होंने अपनी बंसी से जमीन में गड्ढा खोदा था, गड्ढा खोदा था, वहां से पानी की धार निकली थी, वो पानी सबों ने पिया था, गोपियों ने, राधा जी ने, कृष्ण जी ने, आज भी वो कुंड मौजूद है वहां पे। उस कुंड पे वैज्ञानिक लग गए खोज करने के लिए कि इसमें पानी कहां से आता है, लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं मालूम पड़ा कि पानी आता कहां से, और कहीं भी सूखा पड़ जाए लेकिन उसका पानी नहीं सूखता है। ये वृंदावन में कहां पे है, सेवा को निर्बन के पास है, हाँ जी। की जो आरती होती है 7 बजे की, उस आरती के बाद वहाँ पे पंछी, चिड़िया चिरोटा, बंदर, बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली, कोई नहीं रहता उसमें, कोई भी कुदरती कुछ ऐसी कृपा है कि कोई नहीं रहता उसमें देखने के लिए, जब भगवान आते हैं शाम को रास रखने के लिए। और कोई अगर भूल से रह भी जाता तो सोचा वो बेकार हो जाता है, कुछ बताने के लिए रहता ही नहीं है, सोच खो जाता है अपनी सब कुछ, कि मैंने क्या देखा था, क्या हुआ था, और मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कुछ नहीं पता लगता उसको, तो हम लोग एक तरह से पागल हो जाता है, तो पागल होकर कुछ दिन दिन भटकता है तो मर जाता है, मुझे देख लेता है साक्षात भगवान को देख लेता है सामने, और भगवान तो भगवान है, जब भगवान इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे तो फिर को नहीं देखेंगे, पता वहाँ पर कैमरे लगाए गए थे देखने के लिए, उनका जो सेज का कमरा है, सेज का कमरा देखा था तुमने, जो सेज का कमरा चला था, चांदी का पलका मिलता है, 7 ताले लगाते हैं वहाँ पे, 7 ताले होते हैं, जैसे 7 ताले इसमें होते हैं जन्म भूमि में, माना नहीं सुना आपने, खुल गए सारे ताले, बात क्या बात हो गई, ये गाना हकीकत में बनाया गया है इसी कृष्ण जन्मभूमि के उसके आधार पे। तो उनके पैदल निकल गए हैं दर्शन कराने करने,
लोग पहुंच गए। हम लोग आ चुके हैं, एंटर करके हैं गेट को, एंटर करने वाले मंदिर में। कुछ लिखा हुआ है, इधर आ जाओ, यहाँ के बारे में सुनो। अब बस वो अंदर चलाने फोन बना था, इसलिए आपको व्यू नहीं दिखा पाए। ये एक और माता जी, बस घर निकलना है, उनको छोड़ दें और फिर हम लोग घर चल रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट डे वाली, तो वो देख लीजिएगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, तो अभी हम बहुत घंटे में पहुंचे, कुल 8 घंटे लग गए हमें उसे पहुंचने में। तो आपको मैं आपको ये देख सकते हैं, इसका थंबनेल आ गया होगा, तो आप देख सकते हैं वो ये वाली वीडियो फर्स्ट वीडियो आपको देखने को इधर पर दिख रही होगी। तो आप ये देख के उधर जा सकते हैं, मेरे चैनल को चेकआउट करिएगा। बाय गाइस।